परम पूज्य गुरुदेव जी मंच पर उपस्थित संत गुरुजन धर्म सभा में बैठे हुए धर्मानुरागी बंधुओं माताओं एवं बहनों, हम लोग दो दिनों से अनेक संत मनीषियों के कल्याणकारी विचारों से अपने जीवन को संवार रहे हैं। इसी कड़ी में हमें भी आदेश हुआ है, आदेशा अनुसार कुछ निवेदन। सबके जीवन में सुख और दुख है, आखिर ये आता कहां से है? हर चीज का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले का स्रोत है, अन्न का स्रोत है, पानी का स्रोत है, लोहे का स्रोत है, कहीं ना कहीं स्रोत है, खान है। उसी तरीके से हमारे भी जीवन में सुख और दुख है, वो आता कहाँ से है, उसका स्रोत क्या है, उसका खान क्या है? वो है कर्म। कर्मों से ही सुख दुख आता है। कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आखिर जैसा हम कर्म करते हैं उसी कर्मों के अनुसार ही तो हमें सुख दुख मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी। दुख तो है, दुख है, लेकिन ये दुख और सुख आता है कर्मों से। वो कर्म जिससे दुख आता है हम ही करते हैं, वो कर्म जहां से सुख आता है हम ही करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा है, कर विचार, हम विचार नहीं करते। कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजू नर, द्वितीया और न कोए। ये बीजक का एक पद की दो लाइनें हैं। साहब कहते हैं कि तुम्हें दुख तो आता है जीवन में, कर्मों से आता है, लेकिन उन कर्मों के ऊपर तुम विचार नहीं करते। अगर विचार करके कर्म करते तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आता, सुख ही सुख आता। जिन कर्मों को हम विचार करके नहीं करते हैं वहां से हमें दुख मिलता है, और जिन कर्मों को हम विचार करके काम करते हैं वहां से हमें सुख मिलता है। दोनों बातें। एक चोर है, चोरी करता है, पुलिस उसको पीटती है, जेल ले जाती है। अगर वो विचार करता तो चोरी क्यों करता? विचार नहीं करता है। एक शराबी है, शराब पी रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, आंत गल रही है, लीवर फेल हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है। अगर विचार करता कि शराब पीने से ये सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं तो वो शराब क्यों पीता? से बर्बाद हो जाते हैं, खेत बिक जाता है, बाल बच्चे भीख मांगते हैं। मैंने एक जुआरी से कहा कि क्यों जुआ खेलते हो, तो उसने जानते क्या उत्तर दिया? कहा कि मैं अरे धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते थे। ये कौन सी बड़ी बात है? जब धर्मराज जुआ खेल सकते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल सकते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते? हम कहें कि तुमने विचार नहीं किया। राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर आपको हमको संदेश देते हैं कि देखो हम धर्मराज हैं, हम राजा हैं, जुआ खेल करके जब हम बर्बाद हो सकते हैं, भाई बिक सकता है, राज छीन सकता है, पत्नी 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 बिक सकती है, तो तुम खेत किस खेत की मूल्य हो?
वो संदेश है। तो बंधुओं, जहां जहां हम विचार नहीं करते हैं, वहां वहां उन कर्मों से हमें दुख मिलता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, एक बहेलिया था, वो जंगल में गया और जा करके एक सुग्गा को फंसा लिया, सुग्गा, और अपने घर लाया और उसको कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया। जब वो सुग्गा सीख गया, पढ़ गया, तो उसको बाजार के चौराहे पर ले गया और पिंजड़े में रख दिया और चौराहे पर एक बोर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? कि यह सुग्गा सब कुछ जानता है, हिंदी भी जानता है, उर्दू भी जानता है, गणित भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, इतना ही नहीं वेद भी जानता है, कुरान भी जानता है, बाइबल भी जानता है, गीता भी जानता है, रामायण भी जानता है, और इतना ही नहीं ज्योतिष शास्त्र भी जानता है, और तो और ये सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहना जानता है। जो जो बाजार में जाता था, उस बोर्ड को पढ़ता था ऊपर से नीचे तक, सोचता था कि ये सुग्गा तो बहुत काम की चीज है, गणित भी जानता है, हिंदी मैंने सारे विषयों को जानता है, अगर और कुछ काम नहीं करेंगे तो छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, ट्यूशन तो कम से कम पढ़ाएगा, हम मास्टर को हजारों रुपया ट्यूशन पढ़ाने का देते हैं, सब लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं। आप पढ़ करके जब नीचे आते हैं तो उस सुग्गा का कीमत लिखा था 1,00,000 रुपए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम सुग्गा को अपने घर ले जाएं खरीद करके, चाह तो सबकी थी, लेकिन उस नगर सेठ, उस नगर का एक सेठ था, वो घूमते घूमते बाजार में आया, वो देखा कि भाई ये सुग्गा तो बहुत काम का चीज है, हम हर महीना सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं, पंडित आते हैं, कथा कहता है, दान दक्षिणा देना पड़ता है, दही चूड़ा खिलाना पड़ता है, हर महीने का झंझट है, चलो सुग्गा को खरीद करके ले चलो, सुग्गा से ही हम सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिया करेंगे, कोई दान दक्षिणा कोई झंझट नहीं है। ओ नगर सेठ क्या किया कि अपने मुनीब से कहा कि जाओ तिजोरी से 1,00,000 रुपया निकाल करके लाओ। मुनीब ने 1,00,000 रुपया निकाल करके लाया और वो सुग्गा को खरीद करके लेकर के अपने घर चला गया। सेठ बड़ा खुश था, रास्ते भर पूछता था वो सुग्गा से, क्या सुग्गा तुम सब कुछ जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। क्या तुम रामायण भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। तुम बाइबल कुरान भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। क्या तुम गीता भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। बड़ा खुश हुआ नगर से और सुग्गा को ले जा करके अपने दरवाजे पर टांग दिया, घर में टांग दिया और सुबह होते ही बैनर लगवा दिया, चारों तरफ बाजार में प्रचार करा दिया, नगर में प्रचार करा दिया कि है कोई ज्ञानी, है कोई मुल्ला पंडित, है कोई पादरी जो हमारे सुग्गा से शर्तार्थ कर सके। इस प्रचार को सुनकर के एक पंडित जी आ गए सेठ के पास। पंडित जी ने कहा कि सेठ जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक सुग्गा है जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम उससे शर्तार्थ करेंगे। पंडित जी चले गए उस सुग्गा के पास, कहे कहो सुग्गा तुम रामायण जानते हो? सुग्गा ने कहा कि इसमें क्या संदेह। रामायण के सभी कांडों को जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। रामायण के दोहा चौपाई भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। पंडित जी ने कहा कि भाई ये तो सुग्गा बहुत ज्ञानी है, अगर इससे आगे और शर्तार्थ करते हैं, ये तो है पक्षी, आ कहीं इससे हार गए तो हम ब्राह्मण समाज में मुख क्या दिखाएंगे। वो पंडित जी पीछे हट गए। फिर एक मुल्ला जी आए सेठ के पास। मुल्ला जी ने कहा, कहो सेठ जी आपके पास कोई सुग्गा है जो बहुत ज्ञानी है? सेठ ने कहा कि हाँ है। कहा कि हम उससे शर्तार्थ करेंगे। मुल्ला जी चले गए। मुल्ला जी ने कहा, कहो सुग्गा तुम कुरान भी जानते हो? सुग्गा ने कहा कि इसमें क्या संदेह।
तुम कुरान के आयतों को भी जानते हो? कहा कि उसमें क्या संदेह। मुल्ला जी सुन रखा था कि पंडित जी हार करके चले गए सुग्गा से। कहा कि और अगर हम शर्तार्थ करते हैं तो कहीं हम भी ना हार जाएं, तो हम मुसलमान समाज में क्या मुख दिखाएंगे। और मौलवी भी पीछे हट गए। एक पादरी आया। पादरी ने कहा, कहो सेठ जी, आपके पास कोई सुग्गा है जो बहुत ज्ञानी है, बहुत जानता है, हम उससे शर्तार्थ करेंगे। सेठ ने कहा कि जाओ शर्तार्थ करो हमारे सुग्गा से। पादरी जी चले गए। पादरी जी ने कहा, सुग्गा तुम बाइबिल भी जानते हो? सुग्गा ने कहा, इसमें क्या संदेह। तुम न्यू टेस्टामेंट भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। तुम ओल्ड टेस्टामेंट भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। पादरी को लगा कि दो दो विद्वान को हार करके चले गए, अगर आगे हम भी शर्तार्थ करते हैं तो मानव से कौन कहे, मनुष्य से कौन कहे, विद्वान से कौन कहे। इस पक्षी से हार जाएंगे तो हम अपने समाज में मुख क्या दिखाएंगे। वो पादरी भी पीछे हट गए। सेठ बड़ा खुश था कि इतने लोग शर्तार्थ करके हमारे सुग्गा से हार हार करके चले गए। वो इतना खुश था, एकदम गुब्बारा की तरह फूल गया था वो सेठ। दूसरे दिन एक पारखी संत थे जिनका जीवन कबीर साहब के ज्ञान से ओतप्रोत था। उन्होंने विचार किया, इन लोगों ने विचार नहीं किया, संत ने विचार किया कि भाई दुनिया में पक्षी को कौन कहे, मनुष्य जात सब चीज का ज्ञाता नहीं हो सकता है, ये पक्षी कैसे ज्ञाता हो सकता है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। वो संत जी चले गए, महात्मा जी चले गए सेठ के पास। कहा कि कहो सेठ जी, तुम्हारे पास सुग्गा है, सुनता हूं कि बहुत बड़ा ज्ञानी है वो। तो सेठ ने कहा, बड़े बड़े विद्वान हार करके चले गए और एक कबीर साहब का बीजक पढ़ करके आप हमारे सुग्गा से शर्तार्थ करने चले हैं। कहा कि सेठ, संत ने कहा कि बात तो सही कहते हो, कम से कम सुग्गा के पास तो हमको जाने दो। वो संत जी चले गए सुग्गा के पास और शर्तार्थ करने लगे। कहो सुग्गा, तुम सब कुछ जानते हो? सुग्गा ने कहा कि इसमें क्या संदेह। क्या तुम गीता भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। गीता के सभी गीता में कितने कितने अध्याय होते हैं? कहा कि इसमें क्या संदेह। अच्छा ये बताओ, तुम गीता के जो गीता में जो अध्याय है उन सारे मंत्रों का तुम अर्थ भी बता सकते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। रामायण भी जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। रामायण में कितने कांड होते हैं? तो कहा कि इसमें क्या संदेह। संत जी जान गए कि सुग्गा कोई जानता उनता नहीं है। वो जो पहलिया था वो बड़ा चतुर था, एक शब्द उसको पढ़ा दिया था, इसमें क्या संदेह। सेठ ने देखा कि भाई संत को तो बहुत देर हो गया इस शर्तार्थ करते हुए, लगता है कि संत बड़ा जानकार है। वो सेठ से रहा नहीं गया, जहां सुग्गा था और संत था वहां सेठ चला गया। कहा कि संत जी, बाबा कहो हमारा सुग्गा जानता है? संत ने कहा कि कुछ नहीं जानता है, ये कुछ नहीं जानता है। कहा कि ये कैसे, तीन तीन लोग परास्त होकर के चले गए, आप कैसे कहते हैं कि ये कुछ नहीं जानता है? कहा कि देखो हम बताते हैं। अब संत ने अब सुग्गा से प्रश्नों की झड़ी लगाना शुरू कर दिए। कहा कि सुग्गा तुम बताओ, तुम ये बीजक जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। बीजक में कितने अध्याय होते हैं? कहा कि इसमें क्या संदेह, उत्तर नहीं देता था। कितनी बीजक में कितनी रमैनियां हैं? कहा कि इसमें क्या संदेह। अच्छा पहली रमैनी का अर्थ जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। सेठ से कहा कि देखो ये कुछ नहीं जानता है, एक ही शब्द जानता है कि इसमें क्या संदेह। सेठ को लगा कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो सेठ ने उस सुग्गा से कहा, कहो सुग्गा तुम कुछ नहीं जानते हो? कहा कि इसमें क्या संदेह। फिर सुग्गा से दूसरा प्रश्न किया, कहो सुग्गा हमारा 1 लाख रुपया पानी में डूब गया? कहा कि इसमें क्या संदेह, 1 लाख रुपया पानी में डूब गया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि सेठ ने विचार नहीं किया कि ये पक्षी सारे विषयों को सारे ज्ञान को कैसे जान सकता है। अगर विचार किया होता तो उसका 1 लाख रुपया पानी में क्यों जाता?
उसी तरीके से हमारे भी जीवन में जो दुख आता है, जहां हम धोखा खाते हैं वहां हम विचार नहीं करते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन भैया जग में हो थंसाए। हम हंसी करवाते हैं, विचार नहीं करते हैं। साहब कहते हैं कर विचार, अगर विचार नहीं करोगे तुम्हारे जीवन से दुख मिटेगा नहीं। कर विचार विकार परिहरी, विकार का मतलब जितने भी हमारे जीवन में दोष हैं, दुर्गुण है, दाग है, जब हम विचार करेंगे तब ये धुलेगा। कर विचार विकार परिहरी, विकारों को परित्याग करो। और आगे साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोए, सोए मैंने खुद, तुम तरण तारण हो। जब आदमी के जीवन से विकार गंदगी मैल दुष्कर्म अगर मिट जाता है तो वो तरण और तारण हो जाता है। साहब कहते हैं कि तरण तारण सोए, सोए मैंने खुद, तरण हो तरने वाले हो। और जब तुम तर जाओगे तो तभी तुम दूसरे को तारने का भी काम करोगे। संत गुरु करते क्या हैं, इनके जीवन से दोष मिट गए हैं, खुद तर रहे हैं और समाज को भी तारने का काम कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं तरण तारण सोए, तुम खुद तरने वाले हो और दूसरे को तारने वाले हो। आगे साहब कहते हैं कहीं कबीर भगवंत भजू नर, द्वितीया और न कोई। भगवंत कौन है, जिसके जीवन से भाव का अंत हो गया, भाव का मतलब दुख, जिसके जीवन से भाव का अंत हो गया वो भगवंत है। जो अपने जीवन से दुख का अंत कर दिया वो भगवंत है। वो साहब कहते हैं भगवंत भजू नर, द्वितीया और न कोई। देवी देवताओं को तीर्थों में जाकर के पूजा करना, गंगा में जाकर के आरती उतारना, पत्थर पूजना, मंदिर में जाकर के ये कर्मकांड करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे तुम तरण तारण तुम्हारा नहीं होगा। कैसे हो गया, जिसके जीवन से, जो संत गुरु हमारे मंच पर बैठे हैं, आइट साइड बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, दाएं बाएं बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन से अपने दुख को मिटा लिया, भवसागर को मिटा लिया और अंत कर दिया। इनका जीवन निर्मल है। जिसका जीवन निर्मल है वही हमारे भी जीवन को निर्मल कर सकता है। तो कबीर साहब का एक थोड़ा सा शब्द, कर विचार विचार करो, कर विचार विकार परिहरी, दोष दुर्गुण को अपने जीवन से मिटाओ। कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने दोषों को मिटा दो, खुद तरने और तारने वाले हो। और उसकी पूजा करो जो अपने जीवन में भाव का अंत कर दिया, दुखों का अंत कर दिया, दोषों को मिटा दिया। तुम उसकी शरण में जाओ और उनकी वंदना करो, पूजा करो, इसमें मानव जीवन की सफलता है। तो मैं कुछ देर अपने विचारों से निवेदन किया इन्हीं शब्दों के साथ। और